दोस्तों आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है रियलमी और सैमसंग की तरफ से। पहले हम बात करते हैं रियलमी के बारे में, रियलमी एक्स 50 और रेडमी के 30। मुझे बताएं आप में से काफी लोग इन फोन का वेट कर रहे हैं, क्या आप भी वेट कर रहे हैं? बिल्कुल अंश भाई, मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ इन दोनों ही डिवाइसेस का। जैसे इंडिया में लॉन्च होंगे दोनों को परचेज करूंगा। बाकी नमन भाई, चक्कर ये है, क्या रेडमी के 30 और रियलमी एक्स 50 इनमें कोई मेजर डिफरेंस है? क्योंकि हमारे पास पूरी शीट आ चुकी है, इन दोनों में क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, जहां तक अनुज भाई लीक्स अभी तक सामने आई हैं, इनमें मेजर कोई डिफरेंस नहीं है कैमरा को छोड़ के। कैमरा में थोड़े बहुत चेंजेस हैं दोनों ही डिवाइसेस में, और बैटरी थोड़ा बहुत डिफरेंट है दोनों ही डिवाइसेस में, अदरवाइज आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। मतलब यहाँ तक कि जो कमी Xiaomi ने छोड़ी थी वही सेम कमी Realme भी छोड़ दी है। मतलब हमें कंप्लेंट थी कि AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता Redmi के 30 में, अब यहाँ भी आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिल रहा। तो बेसिकली Realme ने देखा कि Redmi ऐसा डिवाइस लॉन्च कर रहा है जहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ 765G के साथ लेके आ रहा है, तो हम भी कुछ ऐसा ही डिवाइस बनाते हैं सेम वैसा ही डुअल पंच होल कैमरा के साथ। तो एक तरह से Realme का हमने देखा हुआ है, काफी ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं उसके डिवाइसेस, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरी तरह से Xiaomi से, और एड्स भी रिसेंटली देने लगे हैं वो डिवाइसेस में। तो हाँ बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि भाई अगर Redmi के 30 आएगा तो Realme X50 ऑलमोस्ट वैसा ही आएगा। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आपको AMOLED मिलेगा यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। मुझे एक्चुअली मैंने भी जब सुना था Redmi के 30 के बारे में तो मुझे भी लगा था यार कि क्यों इसमें AMOLED नहीं दे रहे हैं, क्योंकि के 20 में AMOLED था और अब एक तरह से डाउनग्रेड कर रहे हैं, तो इसे डाउनग्रेड ही मानते हैं ज्यादातर लोग। सेम Redmi के 20 के साथ हुआ था, हालांकि मैं इसे नहीं मानता हूँ डाउनग्रेड, लेकिन फिर भी यहाँ पे डाउनग्रेड मानते हैं ज्यादातर लोग। तो Realme मुझे लगा था कि AMOLED के साथ ही आएगी, मुझे भी लगा था। अच्छी बात यह है कम से कम 120 हर्ट्ज दे दिया यहाँ पर भी, वो तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको 120 हर्ट्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। 5G एक 5G वेरिएंट आएगा X50 का भी, और एक दूसरा वेरिएंट भी आपको मिलेगा 4G, 4G रहेगा खाली, उम्मीद यही है इंडिया में वही आएगा पहले, तो दूसरे प्रोसेसर के साथ। उम्मीद तो यही है 730 आएगा जैसे हमें Redmi के 30 में मिल रहे हैं। अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये आप शीट देख सकते हैं, इतना डिफरेंस है इन दोनों फोन में, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्क्रीन साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, और कैमरा में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल जाएगा, अदरवाइज उतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कि आप एक डिसीजन ले पाओ कि आपको ये फोन लेना है या फिर ये फोन लेना है। बस आप देख लो कौन सा फोन आपको सही प्राइस में मिल रहा है, उसी के साथ आप जा सकते हैं। बिल्कुल, अब बाकी चीजें हम देखेंगे कि भाई ऑप्टिमाइजेशन किसका कितना बेटर होता है, क्योंकि प्रोसेसर सेम है तो ऑप्टिमाइजेशन कौन अपने डिवाइस को बेटर कर पाता है। फिलहाल आप जानते हैं Redmi के 35G आपको मिल रहा है चाइना में 20,000 के आसपास की रेंज में, और जो लीक सामने आ रहे हैं Realme X50 भी आपको उसी प्राइस पे मिलने वाला है उसका 5G वेरिएंट। और Realme XT लाइट की हम बात करते हैं जो कि 4G वेरिएंट रहेगा, वो आपको वही मिलेगा 15-16,000 की रेंज में। बिल्कुल, तो ये जब इंडिया में लॉन्च होंगे डिवाइस तो प्राइसिंग थोड़ी चेंज होगी, चेंज हो सकती है प्राइसिंग, लेकिन मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग बैटल शुरू होने वाला है फिर से, तगड़ा बैटल होगा। मतलब आप ये देख लो अभी आपको Realme X2 मिल रहा है इंडिया में 17,000 में, जहां पर है स्नैपड्रैगन 730G। अब अगर Realme X50 इंडिया में आता है तो किस प्राइस पे आएगा, बहुत बड़ी है सोचने वाली बात। अनुज भाई मैं एक पोल देना चाहूंगा यहाँ पे, ऊपर पोल पोल एक्चुअली मैं कमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आप Redmi के 30 का वेट कर रहे हैं तो आप टीम Redmi लिख के कमेंट कर सकते हैं, अगर आप Realme X50 का वेट कर रहे हैं तो आप टीम Realme लिख के कमेंट कर सकते हैं, बस हमें आइडिया मिल जाएगा कितना इंटरेस्ट है किस डिवाइस का। बिल्कुल, हमें आइडिया मिल जाएगा, और हमें यह भी देखना होगा कि Realme X50 में HDR10 का सपोर्ट है या नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि Redmi के 30 में मिल रहा है, उसमें मिल रहा है आपको। तो ये सब चीजें हम देखेंगे एक बार फोन लॉन्च होने के बाद, जल्दी ये फोन लॉन्च होने वाला है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा बस। तो मैं ये कह सकता हूँ कुल मिला के इन दोनों फोन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, इनमें से आप कोई भी फोन परचेज कर सकते हैं, बट AMOLED की कुर्बानी तो आपको देनी पड़ेगी कोई भी आप लोगे तो फोन। और दोस्तों इस चैनल पे 3 गिवअवे स्टार्ट हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। उसके बाद धमाकेदार अपडेट है सैमसंग की तरफ से, मतलब ऐसा अपडेट है जिसके बारे में हम पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होना पॉसिबल भी है। आप सब जानते हैं सैमसंग के जो भी फ्लैगशिप फोन आते थे इंडिया में वहां पर आपको मिलता था एक्सिनोस का प्रोसेसर, जो कि कुछ लोग हैं जिनको पसंद नहीं आता था, मुझे भी। अब फाइनली सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट सामने आ चुका है, फ्लिपकार्ट पे ये आप देख सकते हैं, लिस्टेड है एक्चुअली flipkart.com के ऊपर, ये कोई लीक नहीं है, ऑफिशियल है, ऑफिशियल न्यूज है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको कैमरा डिटेल्स मिल जाएंगी और साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई 855 प्रोसेसर के साथ आ रहा है।
तो फाइनली आपको सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 855 के साथ। मुझे लगता है आप मुझे किसी ने सोचा नहीं होगा ऐसा होना पॉसिबल है। अनुज भाई इसका प्राइस प्रेडिक्ट करते हैं थोड़ा सा। देखो यार जहां तक मेरा आइडिया है ना, वेरिएंट चाहे जो भी हो, चाहे कितने जीबी के साथ आए, लेकिन उसका प्राइस एक बार एक्सपेक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कितना आएगा? प्रेडिक्ट करते हैं, मुझे लगता है कि 50,000। मेरे अकॉर्डिंग भी 45,000 के आसपास, 45-50 के आसपास ही आएगा, 40-45 मुझे लगता है बेस वेरिएंट इतने का। मुझे भी 50 के अंदर ही लग रहा है, इसके अंदर ही लग रहा है बेस वेरिएंट। अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पर कैमरा भी मेंशन है कौन सा आपको यहाँ मिलने वाला है। 48 में अभी चलकर रहेगा प्राइमरी कैमरा, OIS भी आपको यहाँ पर मिलेगा। गजब। तो ऑन पेपर देखकर तो माइक्रो सेंसर भी 5 मेगापिक्सल का दिया हुआ है इन्होंने। यस, जो कि और ज्यादा डिटेल्स, जो कि आज के टाइम पे देखा होगा आपने डिवाइसेस में जो मिड रेंज में आते हैं, 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर मिलता है जो कि ठीक है, लेकिन 5 मेगापिक्सल मिलता है तो और अच्छा है, और अच्छी बात है। और पंच होल डिस्प्ले आपको मिलेगा जैसे कि आपको मिलता था नोट 10 प्लस में, और 12 मेगापिक्सल को आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा इसमें। यस, है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है, आप मुझे बताओ कमेंट्स में, अगर आपको ये फोन मिलता है 50,000 से कम के प्राइस में तो आप S10 लाइट लेंगे या फिर जाएंगे वन प्लस के साथ। ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। बिल्कुल, और अगर ये डिवाइस सही प्राइसिंग पे इंडिया में लॉन्च हो गया भाई तो सही बता रहा हूं, वन प्लस को मतलब वन प्लस काफी हद तक टक्कर दे सकता है, बहुत हद तक वन प्लस का सिंहासन थोड़ा सा डगमगा सकता है, सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, थोड़ा सा वेट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जनवरी के एंड से पहले पहले ये फोन आपको मिल जाएगा इंडिया में। बिल्कुल, लिस्ट हो गया है तो बहुत जल्द लॉन्च होने के चांसेस बन गए हैं। अब धीरे धीरे इसकी हाइप बनना स्टार्ट होगी, लीक्स आने और ज्यादा स्टार्ट होंगे क्या क्या आपको इस फोन में मिलने वाले हैं, तो वेट करते हैं इसका थोड़ा सा। बाकी सैमसंग गैलेक्सी S20 और फोल्ड 2 आपको 11 फेब को देखने को मिलेंगे, उसके लिए आपको उतना वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है ओनर की तरफ से। फाइनली ओनर 9 नेक्स्ट की लॉन्च डेट सामने आ चुकी है, 14 जनवरी को ये फोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज को लेकर बहुत बड़ा डाउट है कि कौन सा वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा, चाइना वाला या फिर इंटरनेशनल मार्केट वाला, क्या लगता है आपको? अब इंटरनेशनल मार्केट वाला आने के चांसेस ज्यादा लगते हैं मुझे। वहां पर आपको मिलता है किरिन का 710F, और जो चाइना वाला है वहां पर आपको मिल रहा है किरिन का 810 जो कि जबरदस्त है। अब सारी बात यहाँ प्राइसिंग की है, क्या प्राइसिंग रहती है इन फोन की, तो उसका हम वेट करते हैं। बाकी वेट खत्म होने वाला है आपका, पॉपअप कैमरा आपको मिल जाएगा 15,000 से कम के प्राइस में ओनर की तरफ से, जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है, जो कि फुल व्यू डिस्प्ले वाले फोन चला के देखिए बहुत कमाल का एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे रियलमी X हो, चाहे रेडमी K20 हो, K20 प्रो हो, फुल व्यू का तो मजा ही कुछ हो रहा है। फुल व्यू का मजा एकदम अलग है, थोड़ी सी भी नॉच रहती है ना बिंदु वाली वो खटकती है थोड़ा सा कुछ। अब आपने एक चीज नोट की होगी, जो पहले फुल व्यू दे रहे थे ना वो पीछे हटते जा रहे हैं, सारे पीछे हट गए। आप देख लो ना उसको, रियलमी X50 आया ड्यूअल कैमरा फ्रंट में है, रेडमी K30 के साथ भी यही हुआ, और ओप्पो F50 ना आ रहा है वहां भी सेम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पॉपअप मैकेनिज्म उनको अच्छा नहीं लगा या फिर उतना सूटेबल नहीं लगा, लोगों ने उसको ज्यादा अच्छे से लिया नहीं है पॉपअप को, या शायद उनको थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। यार दिक्कत भी होती है ना कई बार, जो वीडियो कॉल ज्यादा करते हैं उनको थोड़ी दिक्कत ज्यादा रहती है इस चीज को लेकर। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होते हैं। तो न्यूज यही है ओनर 9 नेक्स्ट जल्दी आपको मिल जाएगा। उसके बाद अपडेट वीवो की तरफ से, वीवो S1 प्रो आप सबका फेवरेट फोन फाइनली लॉन्च हो चुका है, जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। इस फोन के बारे में यही कहूंगा आपको, फोन जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी मतलब काफी ज्यादा है। बिल्कुल, यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलता है आपको Qualcomm Snapdragon 665, उसके हिसाब से इसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पे हम प्रोसेसर के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि भाई इस डिवाइस की प्राइस कितनी होनी चाहिए, है ना। मतलब यही लगा लो आप, जो आपको फोन ये 20,000 में मिल रहा है इसका प्राइस मेरे अकॉर्डिंग 12-13,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए था, 13-14,000 रुपए से ऑफलाइन मार्केट को हिसाब से ये मैं बात कह रहा हूँ आपको। हाँ। अगर ऑनलाइन की बात करते हैं फिर तो 10,000 से नीचे ही प्राइस होना चाहिए था। बिल्कुल, 10,000 के आसपास आपको 10-12,000 रुपए में मिल जा रहे हैं आज के टाइम पे। हाँ ऑफलाइन है तो आप 13-14 ले लो, लेकिन यहाँ तो 20,000 तो काफी ज्यादा प्राइस हो गया इसका। मैं मानता हूँ डिजाइन थोड़ा यूनिक है बट प्लास्टिक बॉडी है, कैमरा अच्छा होगा फोन का नो डाउट, बट प्रोसेसर और एक चीज और मतलब कमी लगी थोड़ा सा कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है, तो इसीलिए ताकि वो प्राइस को बढ़ा सकें 8GB 128GB। या तो एक दो और वेरिएंट ले आए थे ना कम प्राइस पे तो भी बात बन सकती थी, लेकिन फिलहाल तो मुझे उतना मजा नहीं आया, ऑप्शंस नहीं दिए यहाँ पे भी उन्होंने। अगर ऑप्शंस दे देता तो शायद 14-15 तक ये ला सकते थे, अगर 4/64 या 6/64 का वेरिएंट लाते तो फिलहाल तो हम आपको ये फोन रिकमेंड नहीं करने वाले जब तक इसका ये प्राइस है। तो अगर कोई दूसरा वेरिएंट लॉन्च कर देते हैं तो, या इसका प्राइस कम होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कुछ अपडेट्स थे जो कि मुझे लगता है आपको बहुत ही पसंद आए होंगे।
तो आप इनमें से किस अपडेट के लिए या फिर किस डिवाइस के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कुछ भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।